सीक्रेट अपरेजर पे 700 की। नतीजे के तौर पे कार्बन हासिल होता है, इस कार्बन को कार्बन ब्लैक और अमोनिया को जब ब्रेक करते हैं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और प्रॉब्लम क्या है, नाइट्रोजन भी गैस हाइड्रोजन भी गैस, तो कूल करते हैं और माइनस और नाइनस पे जाके नाइट्रोजन लिखते हैं। हाइड्रोजन क्या नहीं बनेगी, जी नहीं बनेगी, और लेट जाके बनती है माइनस टू लिक्विड होती है। हाइड्रोजन से ज़्यादा जो लिक्विड होने का टेम्परेचर है उससे भी ज़्यादा होता है। अब अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो देखो तौर पे वाटर गैस हासिल होती है H2 और कार्बन मिक्सल कैटलिसिस नाम का होता है। तो नेचुरल गैस क्या है, क्योंकि नेचुरल गैस में 94.4% और अगर हम कार्बन एक्शन ऑफ स्पिन मॉलिक्यूल याद है, यहाँ भी वाटर स्टीम के सूरत में होना से तभी हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यार हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों का मिक्सचर वाटर गैस का है, हम इनको अलग अलग कैसे करें, तो भाई ये करना भी तो मुश्किल बात है। हम इनको दूर कर माइनस 192 पे जा कर ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये भी। अब एमसीक्यूज कैसा है भाई, आप पूछ सकते हैं कि इन प्रोसेस से 4-5 प्रोसेस का नाम दे दें, जैसे कि एक प्रोसेस है बायोएक्शन, इसकी कंडीशन ये होती है हाइड्रोजन स्टीम एंड नेचुरल गैस प्रोसेस, फिर आप कंडीशन क्या होगी मिनरल हाइड्रेटेड थर्मल डीकंपोजिशन CH2, कंडीशन क्या होगी 700 विदाउट ऑक्सीजन, बायो प्रोडक्ट क्या होगी कार्बन का, इसके हवाले से आप कंडीशन कैटलिस्ट 1000 N2 पर लिक्विड बनेगा -100, कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विड तो बनेगा -100। इस प्रोसेस का नाम आ सकता है कैटालिसिस, ये आपका एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेथनॉल के स्टीम में है, इसका टेम्परेचर बहुत पहले भी है याद रखना आसान है, रूम टेम्परेचर में 0 है। और ये भी आता है कि जो वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस होती है इसमें हम क्या देखते हैं, या तो 17% वैपोलाइसिस या 17% इलेक्ट्रोलाइसिस। ये एक कंप्लीट इनिशियल प्रिपरेशन का टॉपिक हाइड्रोजन के हवाले से, एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं कुछ इंशाल्लाह एनडीए के पास से सॉल्व करके डालूंगा।